सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज मेरी ये दूसरी सीरीज शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दूसरी सीरीज का मतलब यह है कि जो हमारी पहली सीरीज थी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, और उसकी मैंने 12-13 वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है बना दिए हैं। अगर आपको इकोसिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आपको इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ A to Z अगर आपको सीखना है, तो आप उस सीरीज में आप एक एक चीज को वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और उसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, इकोसिस्टम फुल इंफॉर्मेशन। ये मेरी दूसरी सीरीज है ओट्रिम की, और इस ओट्रिम के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, पार्ट वाइज लेके चलूंगा, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर आपको इन सारे चीजों की बेहद अच्छी तरीके से जरूरत पड़ने वाली है। ताकि ये जो हमारे टूल हैं वो आप जब लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दें, इनके इसके बारे में बताएं, तो आप आसानी से सीख सकें और लोगों को भी सिखा सकें जो आपके नए कस्टमर यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ये ओट्रिम के ऊपर ये है हमारा पहला वीडियो, यानी कि पार्ट 1 डैशबोर्ड। पहले हम बताते हैं कि ये जो ओट्रिम है ये आखिर है क्या। ओट्रिम एक बेस्ट URL ट्रिमर है, बेस्ट URL ट्रिमर है, यानी कि जो हमारी लॉन्ग लिंक होती हैं, लॉन्ग यानी कि लंबी लंबी जो लिंक होती है हमारी, उन लंबी लंबी लिंक को ये शॉर्ट करने का काम करती है। बहुत सारी आपने लिंक देखी होंगी जो हमारे ग्रुप में आती हैं, हमारे जो वेबिनार की जो लिंक आती हैं, ट्रिम करके लिंक आती हैं, तो उसमें ट्रिम्ड लिखा होता है, ट्रिम्ड URL। तो यहाँ पर ये लंबी लंबी जो लिंक होती हैं उसको छोटा करने के काम आती है। दिस इज द बेस्ट URL ट्रिमर। तो इसके बाद आज बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। अगर हम बात करें इसके डैशबोर्ड पे, अगर हम जाते हैं तो आपको डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये हमारा जो ओट्रिम, जो ये जो टूल है, ये पूरी तरीके से फ्री है। कोई भी जस्ट रजिस्ट्रेशन करके अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इस टूल का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर। और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे और कौन से टूल हैं जो पूरी तरीके से फ्री हैं। तो ये है हमारा ओट्रिम का डैशबोर्ड। सबसे पहले चीज, यहाँ पर आपको जो एक चांद सा ये दिखाई देता है, ये हमारा क्या है, ये डार्क मोड और लाइट मोड करने का एक ऑप्शन है। अगर आपको ज्यादा लाइट आती है मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहां पर ये ट्रिम लिंक जो लिखा हुआ है, इसका यूज हम बाद में आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। यहां पे हम आज समझने वाले हैं इस डैशबोर्ड के बारे में। ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है जो मैं इस पहली स्लाइड के अंदर आपको बता रहा हूं। इस डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या आपको नजर आने वाला है। पहली, टोटल लिंक्स आपको यहां पर नजर आने वाली हैं, जो भी आपने यहां पर लिंक क्रिएट की हुई हैं, आपने कौन कौन सी लिंक क्रिएट की हैं, किस तरीके से क्रिएट की हैं, वो सारी की सारी लिंक की जो क्वांटिटी होगी वो आपको यहां पर नजर आने वाली है। उसके बाद यहां पर टोटल क्लिक्स, जी हां, अगर आपने कोई भी लिंक क्रिएट की, उसको शॉर्ट किया और आपने उस लिंक को कहीं पर भी जो है पब्लिश कर दिया, शायद सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, तो यहाँ पे कितने क्लिक्स आपके आए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि इस पे आए हैं 7000 क्लिक्स आए हैं, और यूनिक क्लिक हैं 3.7K, यानी कि 3700। उसके बाद यहाँ पर ब्रोकन लिंक्स आपकी कितनी है, कोई भी नहीं है। ब्रोकन लिंक्स किसे कहते हैं, जब आपने कोई भी लिंक क्रिएट की, उसे शॉर्ट किया और लिंक को कॉपी पेस्ट करते समय अगर उसमें से एक पॉइंट भी अगर आपका मिस हो गया, तो वह लिंक आपकी एक ब्रोकन लिंक में चली जाती है, वो लिंक आपकी क्लिक करने पर ओपन नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकन लिंक। उसके बाद यहां पर QR कोड, अगर आपने अपनी लिंक के माध्यम से QR कोड बनाए होंगे, तो यहां पर इस डैशबोर्ड पर आपको टोटल QR कोड आपको नजर आने वाले हैं कि आपने कौन कौन सी लिंक से कितने QR कोड यहां पर जनरेट किए हैं। अब बात करते हैं आगे, टोटल क्लिक्स कंट्री वाइज, यहां पर आपको कंट्री वाइज भी बहुत सारे क्लिक जो है नजर आने वाले हैं। दूसरा, हम स्लाइड लेके चलते हैं अपने अगला जो यहाँ पे दिखाई देगा, जब भी आप अपनी लिंक को शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट लिंक कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पे पेस्ट करते हैं और उसको वायरल करते हैं, तो हर एक के पास जो है लैपटॉप नहीं होता, हर एक के पास मोबाइल फोन नहीं होता, एंड हर एक के पास टैबलेट नहीं होता। तो यहाँ पर ये डिवाइस, आपकी जो लिंक है वो कहाँ कहाँ पर जो है क्लिक की जा रही है, कौन कहाँ कौन से डिवाइस में क्लिक की जा रही है,
ये हमारा पूरा ओ ट्रिम का जो डैशबोर्ड है ये आपको पूरा यहाँ पर बताता रहेगा। जैसे कि मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा इस लिंक को जो है क्लिक किया जा रहा है, जो भी आपने लिंक को शेयर किया है। उसके बाद डेस्कटॉप पे 9.1, उसके बाद टैबलेट पे 0.5%। इस तरीके से ये संख्या जो आपकी हमेशा घटती बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास डेस्कटॉप तो नहीं होता, लेकिन मोबाइल फोन की संख्या हमेशा यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा सिटी और क्लिक्स, यानी कि आपने जो लिंक को पेस्ट किया है वहां पे कौन कौन से शहर में आपकी लिंक वायरल हो रही है, कहाँ कहाँ के लोग उसको क्लिक कर रहे हैं। तो सिटी वाले कॉलम में आपको बहुत सारी सिटीज के नाम दिखाई देंगे, जैसे कोलकाता है 178, इसके बाद इंदौर है 355। इस तरीके से आप इसकी पूरी लिस्ट ऊपर करेंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर नजर आती रहेगी। इसके बाद आगे चलते हैं, ये है हमारा ब्राउजर टाइप। ब्राउजर का मतलब यही होता है, जब आप अपना कोई भी वेबसाइट किस ब्राउजर में आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे किस ब्राउजर में आपके सबसे ज्यादा क्लिक हो रहे हैं। जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, सफारी है, अदर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है। तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो इस समय हमारा क्रोम ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये गूगल का है। और यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी कि कौन सा ब्राउजर कौन व्यक्ति यूज कर रहा है, आपकी जो लिंक है शॉर्ट लिंक वो किस ब्राउजर के माध्यम से सबसे ज्यादा क्लिक की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे है सोशल मीडिया क्लिक, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपने जो भी अपनी लिंक को पेस्ट करके कहीं पर भी शेयर किया है, तो यहाँ पर आपका फेसबुक पे सबसे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, या ओनेट के माध्यम से क्लिक आ रहे हैं, ट्विटर, लिंक्डइन या यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी आपने हो सकता है डाल रखी हो। तो इस तरीके से जहां से भी आपको ये सोशल मीडिया से जितने भी क्लिक्स आएंगे ये यहाँ पर आपको बताता रहेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, ओनेट, ट्विटर, लिंक्डइन, इसके अलावा और भी है, वहां से आपको नजर आता रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ओमेल, ओनेट एंड ओट्रिम, ये हमारी कंपनी की तरफ से तीनों बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री टूल हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे गेट ओमेल, ओनेट एंड ओट्रिम फॉर फ्री, रजिस्टर नाउ। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एक एफिलिएट लिंक दी हुई है, वहां पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पर हमारा जो नंबर है वो अब आज से मैं आपको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपकी हैंड टू हैंड जो है सुलझाने का प्रयास करता रहूं। तो बस ये था आज का हमारा पहला ट्यूटोरियल वीडियो, ओ ट्रिम डैशबोर्ड। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी, जिससे कि आप यहाँ पर ओ ट्रिम के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी ले पाए। तो ओ ट्रिम की पूरी सीरीज शुरू हो चुकी है, और रात को जो वीडियो मिलेगी आपको वो मिलेगी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आने वाले टाइम के अंदर और भी हमारे कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो भी हम सीरीज वाइज जो है लेके आते रहेंगे, क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं और आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ, अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।